CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है फेरी वालों की आवाजें। दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी विशेषता ये थी कि अपने सौदे को एक बड़ी लच्छेदार आवाज में और अक्सर सुरीले स्वर में और कभी कभी तो गा कर बेचते थे। ये रसगुल्ला मेरा, ये चाशनी इसकी, एक बार खा ले जरा, जन्नत होगी नसीब। किसी साहित्यकार ने सच लिखा है कि दिल्ली के बाजारों कूचों में फेरी वालों की आवाजें सुनकर ऐसा लगता था कि इस्फहान के शायर चौक में गजल पढ़ रहे हैं। उसका नाम और सही, इस बारिश में मेरी दुकान से एक छाता और सही, और सही, ले जाओ हर माल पच्चीस सस्ते में, रस्ते के माल सस्ते में, रस्ते के माल सस्ते में। दिल्ली के बारे में ये भी मशहूर था कि यहाँ हर आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा था या नहीं, कलापूर्ण रुचि और संवेदनशीलता रखता था। फेरी वाले जो भी आवाज लगाते वो आम तौर पर उनका अपना आविष्कार होता था। अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ जोड़ लेते। अरे खस्ता कर रही मूंगफली भाई, लेते जाना मूंगफली भाई, खाते जाना मूंगफली है गर्म गर्म ये मूंगफली। लेकिन जो कुछ भी कहते गागर में सागर भर देते और सुनने वालों को बड़ा आनंद आता। ऐ मूंग फली गरियम गरियम, मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार। आदमी को अगर चीज न भी लेनी होती तो भी फेरी वाले की आवाज सुनकर उसे रस आने लगता और उसे खरीदने की इच्छा मन में पैदा हो जाती। फेरी वालों का गाकर अपने सौदे को बेचने का रिवाज मुगलों के जमाने में शाहजहां के काल से शुरू हुआ। शाहजहां की इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी नई राजधानी शाहजहानाबाद में अपनी चीजों को साफ और ऊंची आवाज में बेचें, ताकि घर की औरतें अपने घरों की ड्योढ़ी पर जरूरत की चीजें खरीद सकें और फेरी वाले तथा राह चलते लोग उन्हें न देख सकें। गर्मियों में आम, खरबूजे, ककड़ी, तरबूज वगैरह की बहार होती। आम वाला चिल्लाता, केराने का लड्डू असर अली की बहार, लड्डू है पाल के लड्डू, बासी पराठे के संग खा लो, रस के घड़े हैं ये चूसने वाले, केराने का लड्डू असर अली की बहार, लड्डू है पाल के लड्डू, बासी पराठे के संग खा लो, रस के घड़े हैं ये चूसने वाले। खरबूजे वाला लहक लहक कर गाता और सबसे बाजी ले जाता। और नन्ने के अब्बा, चक्कू लाना, चक्के लेना, सच्ची कहना पीके हैं या मीठे, और नन्ने के अब्बा, चक्कू लाना, चक्के लेना, सच्ची कहना पीके हैं या मीठे। बीच में
कोई शकरकंद वाला बोल उठता, बिन कढ़ाई का हलवा शकरकंदी, बिन कढ़ाई का हलवा शकरकंदी। ककड़ियों वाला ककड़ियों को पानी से तर करता रहता और चिल्लाता, लाला की उंगलियों मजनू की पसलियां, तैर कर आई हैं बहते दरियाओं में, लाला की उंगलियां मजनू की पसलियां, तैर कर आई हैं बहते दरियाओं में। फेरी वालों की आवाजें। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रमोद कुमार दुबे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख महेश्वर दयाल, कलाकार मंजू मैनी और बाबला कोचर, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े, ध्वनिंकन अमिता भट्टी और बटिलेंग लिंगदो, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।